ये देखें जी, टमाटरों के बीच में आलू का दिल भाई ने अलग करके रखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है खिजर हयात और मैं आपको कहता हूँ इस वीडियो में वेलकम। आज मैं था रूम पे अकेला, तो मैं सोच रहा था कि ना कुछ खाने के लिए बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ सऊदीया में। मैं सऊदीया में रहता हूँ, तो सऊदीया में दिखाता हूँ घर मेरा कैसा है। ये वाला मेरा रूम है, सब कुछ बिखरा पड़ा है। और एक ये रूम है मेरे साथ, जो मेरा दोस्त होता है सुडानी उसका। और एक ये रूम है, ये रूम तो रूम भी कह सकते हैं, स्टोर रूम ही, क्योंकि इसमें पूरा सामान पड़ा है बिखरा हुआ। और एक आदमी भी रहता था, लेकिन अभी वो अपने घर गया हुआ है छुट्टी मसर में। और एक ये वाला और एक ये रूम है। इस रूम की सबसे मज़ेदार बात बताऊँ आपको, ये मैंने किया ओके ओके टंटना। देख सकते हैं पूरे शहर को मैं अपने रूम से ही बैठ के देख सकता हूँ। अभी एक और कैमरा खोल के देखते हैं, करते हैं ओके। यस, मौजे हैं कि नहीं है। देखें, रूम से बैठ के पूरे शहर का कोई भी कैमरा मैं जो है ना खोल सकता हूँ यहाँ से। ये देखें, तो अभी मैं जो है ना जा रहा हूँ दुकान पे, मार्केट में। वहाँ पे जाके देखेंगे क्या चीज़ पसंद आती है, तो वो फिर लेके आएंगे और फिर रूम पे बनाएंगे। 1 किलोमीटर दूर जाऊंगा अपने रूम से, क्योंकि वहाँ पे जो है दुकान है। मैं इतनी दूर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से मिलते हैं पाकिस्तानी आम। तो भाई जान, पाकिस्तानी आमों का जूस पी के तो मज़ा ही आ जाता है। एक ये वाली दुकान है, लेकिन इस पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा आगे। तो मैं जो है जा रहा हूँ आज पैदल, क्योंकि आपको पता है मेरा दोस्त गया हुआ है मदीना, तो गाड़ी जो है उसी के पास है। कोई बात नहीं, पैदल जाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और सामान भी ले आएंगे। मैंने जो है आधा सफ़र तय कर लिया, आधा बाकी है। भाई जान, धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है आज, लेकिन हवा जो है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ठंडी चल रही है। तो आगे का सफ़र चलते हैं अभी। यहाँ पे पहले भी मैंने आपको बताया कि मौसम जो है ना ठंडा रहता है, लेकिन आज धूप तो निकली हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हवा ठंडी चल रही है, तो महसूस नहीं हो रहा कि गर्मी है कि नहीं है। धूप जो है वो बहुत तेज निकली हुई। तो भाईजान, मैं जो है पहुंच आया हूँ दुकान पे। एक ये वाली है और इसी के साथ एक ये है आगे, थोड़ा आगे, लेकिन इस पे मैं नहीं जा रहा, मैं जाऊंगा उस वाली पे। ये है आगे, इस पे जाऊंगा मैं। मैं पहुंच गया हूं जी दुकान पे। ये देख सकते हैं मैं आ गया हूं जी मार्केट दुकान पे। तो यहां से कुछ फ्रूट्स वगैरह लेंगे और फिर जाके रूम पे खाएंगे। भाई जान, मैं जो है इतनी दूर आया हूं, लेकिन भाई के पास जो है पाकिस्तानी आम भी नहीं है, लेकिन ये पड़े हैं, चेक करते हैं इसको। ये देखें जी, टमाटरों के बीच में आलू का दिल भाई ने अलग करके रखा हुआ है।
सेम दिल जैसा है कि नहीं। भाई के पास जो है आम तो नहीं है, लेकिन ये माल्टे पड़े हैं बहुत ज़बरदस्त, ये मैं ले रहा हूँ। एक आम भी लिया है सेम ऐसे ही, चेक करेंगे आम कैसा है। और जो है अभी यहाँ से कुछ लेंगे, यहाँ से लेंगे दूध, जूस बनाएंगे जूस। और उसके साथ एक ये वाला लेंगे, इसके हम बनाएंगे खीर। तो सामान जो है मैंने ले लिया है, बहुत भारी है यार, कैसे लेके जाऊंगा अभी, बहुत सफ़र भी बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। रूम पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या क्या चीज़ ली है, और फिर बनाएंगे। तो मैं जो है फाइनली पहुंच चुका हूं घर, और सामान मेरे साथ है, बहुत थक चुका हूं, बाजू जो है वो मेरा बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन कोई नहीं, अभी जाके रूम पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो ये जो है ये मैं सामान लेके आया हूँ, सामान भारी पता है किस वजह से था, ये मैं लेके आया हूँ, इसको मतीरा भी बोलते हैं और अरबी में हबब बोलते हैं, इंदवाणा भी बोलते हैं। इसकी वजह से 5 किलो का तो भाई जान यही था, इसी वजह से सामान जो है ना बहुत भारी हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूम पे पहुँच चुका हूँ। और जिस वजह से मैं इतना दूर गया था वो चीज़ मुझे नहीं मिली, मैं गया था पाकिस्तानी आम लेने, लेकिन वो भाई जान बोल रहे थे कि नहीं है, फिर मुझे ये भी अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने ये एक ही लिया, ज़्यादा नहीं लिए, और पाकिस्तानी होते तो शायद ले लेता। उसके साथ ही मैंने केले और माल्टे वगैरह लिए। तो ये दूध लेके आया हूँ मैं, मेरा दिल था खीर बनाने का, तो अभी खीर बनाएंगे, साथ में ये दूसरा दूध है इसका कोई जूस वगैरह बनाएंगे। ये जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं बना रहा हूँ आज खीर, ये चावल है, और ये एक कप में मैंने चावल डाल लिए, 2 लीटर दूध में 1 कप चावल। ये आम जो है जूस वाला तो नहीं था, लेकिन मेरा दिल था जूस का तो मैं जूस बना रहा हूँ, ये इसमें मैंने काट के डाल दिया, और इसमें अभी डालेंगे दूध। अभी जो है हमारी खीर नहीं हो रही है तैयार, किचन थोड़ा गंदा है तो इसको करें इग्नोर, माफ़ी मुश्किल। अभी खीरनी को मैंने धीमी आंच पे रख दिया और ये अभी पकती रहेगी। तो दोस्तों हमारा जो जूस है वो तैयार हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है, अभी हम इसको एंजॉय करते हैं, तब तक जो है ना हमारी खीर वो तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार है, लेकिन वो बात नहीं है जो पाकिस्तानी आमों में होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार है, अभी इंजॉय करते हैं इसको, अगर पीना है तो आ जाएं जी बिस्मिल्लाह, लेकिन मैं तो पी रहा हूँ भाई। असल में ये आम जो था ना ये जूस वाला नहीं था, मैंने जो है 2 गिलास बनाया, मैंने कहा ट्राई करते हैं कैसा बनता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना है, लेकिन आम जो है वो जूस वाला नहीं था, पाकिस्तानी मिल जाते तो फिर क्या बात थी, लेकिन हमारी किस्मत नहीं मिले, चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हमारी खीर जो है वो तैयार होने वाली है, बस थोड़ा टाइम बाकी है, उसके बाद फिर ये तैयार है। तो दोस्तों मैं जो मतीरा लेके आया था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त निकला है, मैंने वहाँ पर बोला था वो भाई को कि काट के दो, वो बोलते नहीं ऐसे लेके जाओ बहुत अच्छा है। तो अभी मैं जो है खा रहा हूँ मतीरा, और खीरनी भी है तैयार हो चुकी है, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है ठहरने के लिए, तो जब तैयार ठंडी हो जाएगी तो फिर खीरनी खाएंगे। आय हाय 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 क्या ही मज़ेदार मतीरा है जी। तो दोस्तों मेरी खीर जो है वो बन के तैयार हो चुकी है, अभी करते हैं इसको एंजॉय, टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। ज़बरदस्त बनी है। तो
तो दोस्तों खीरनी जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनी है। आज का मेरा दिन तो बस खाते हुए ही गुजर गया। आपका दिन कैसे गुजरता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।